तो जैसा कि आपने शुरू में देखा ही कि आज हम अपने फोन के अंदर जो है एंड्रॉइड 11 के जो मीडिया कंट्रोल्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, जो कि क्विक सेटिंग्स में आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहां से अपने जो मीडिया कंट्रोल्स को आप प्ले कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और यहाँ से इनको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का लुक जो है आप भी अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में पा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो जो एप्लीकेशन जो है हम अपने फोन के अंदर यूज कर रहे हैं उसका नाम है पावर शेड नोटिफिकेशन पैनल एंड क्विक सेटिंग्स। ये एक फ्री एप्लीकेशन है और गूगल प्ले स्टोर में आपको फ्री में देखने को मिल जाती है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद जो है आपने कुछ परमिशंस देनी है। परमिशंस देने के बाद जो है आपने इसको रन करना है और इसके जो आप लेआउट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कौन सा लेआउट चाहिए, आपको सर्कल चाहिए, किस तरीके का चाहिए, उसका आप चेंज कर सकते हैं। आपको काफी सारे यहाँ पे लेआउट मिल जाते हैं, जैसे स्क्वायरल यूज कर लेते हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। आप इनके कलर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि कौन सा कलर चाहिए आपको। जैसे इस टाइम पे आपको कुछ एड्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं इस टाइम पे पिंक यूज कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और चाहिए, ब्लू चाहिए इस तरीके का, तो आप उसको ब्लू भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपके जो सेटिंग्स पैनल है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जो है आपके क्विक सेटिंग्स पैनल में जो है एंड्रॉइड 11 के जो है मीडिया कंट्रोल्स जो है यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। जब कभी भी आपको यूट्यूब पे म्यूजिक या कोई भी मीडिया प्लेयर जो है यूज करेंगे, कुछ इस तरह का लेआउट जो है आपको अपने फोन के अंदर यहाँ पे क्विक सेटिंग्स पैनल में देखने को मिलेगा। जैसे आप इसको ड्रॉप डाउन करते हैं इसका साइज जो है और बड़ा हो जाता है और कुछ इस तरह का नया लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप यहाँ से इसको लाइक कर सकते हैं, सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे इस तरीके देखिए, आप फॉरवर्ड करना चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको स्पीकर्स या वाईफाई स्पीकर्स यूज कर रहे हैं अपने घर में या ब्लूटूथ हैंडसेट यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जिस पे आप जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे फोन के अंदर फोन स्पीकर यूज हो रहा है, अगर आप ब्लूटूथ या कोई और वाईफाई स्पीकर्स यहाँ पे यूज कर रहे होंगे तो आपको सारी की सारी लिस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको आप यहाँ से जैसे ही चेक करेंगे उस तरीके से जो है वो म्यूजिक जो है काम करना शुरू कर देगा। तो कुछ इस तरीके का लेआउट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बस सिंपली आपने स्वाइप डाउन करना है और कुछ छोटा सा लेआउट आपको पहले इस तरह देखने को मिलेगा नॉर्मल क्विक सेटिंग्स पैनल में। जैसे ही आप स्वाइप डाउन पूरा कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह का लुक यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ से आप जो है हर सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो काफी अलग सा ये लुक है और काफी अलग सा फीचर जो है आपको क्विक सेटिंग्स पैनल में यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि इस टाइम पे एंड्रॉइड 11 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो बस इस छोटी सी एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप कुछ इस तरह का एंड्रॉइड 11 जैसे मीडिया कंट्रोल जो है अपने क्विक सेटिंग्स पैनल में पा सकते हैं। ये एप्लीकेशन किसी भी फोन पे काम करेगी, ना आपको रूट करना है ना अनलॉक करना है। बस इस एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जो है कुछ इस तरीके कंट्रोल सेंटर जो है, यानी कि आपको मीडिया कंट्रोल सेंटर जो है आपको अपने फोन पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो और आज की एप्लीकेशन पसंद आई होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।